हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या है आपके कान में खुजली होती है, या आपके कान में दर्द रहते हैं, या आपके कान में इन्फेक्शन हो गया है, या आपके कान में मतलब पीप आते हैं, बहते हैं कान आपके, या हमेशा दर्द रहते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम का सलूशन लेके आई हूँ मैं। एक तेल जिसका आप इस्तेमाल करते हैं तो जितना भी आपके कानों की प्रॉब्लम है वो सारी दूर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि वो तेल को बनाना कैसा है। चलिए दोस्तों, रेमेडी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उसके लिए मैंने क्लीन बाउल ले लिया है। अभी इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड करूँगी। चलिए दोस्तों, कुछ चीज़ें इसमें मैं ऐड करूँगी। तो ये देख सकते हो आप, इसमें मैंने राई का तेल लिया है, मतलब सरसों का तेल। तो इसमें हमको डालना है 2 चम्मच। ये देख सकते हो आप, मैंने इसमें 2 चम्मच डाला है। अभी एक चीज़ इसमें और ऐड करूँगी, आप देख सकते हो, ये लहसुन का कलिया मैंने कुछ इस तरीके से चॉप करके ले लिया है, टुकड़ों में काट के ले लिया है। 3 कलिया है ये बिल्कुल, तो आप इतना ही लीजिएगा, 3 कलिया इसमें डाल लूँगी मैं। अभी एक चीज़ और इसमें ऐड करना है, और वो देखिए, ये मेथी का दाना है कुछ इतना लिया है मैंने। ये देखिए, आधा चम्मच भी नहीं, आधा चौथाई है, कम है, आधा चम्मच से भी कम ही है। अभी मैं गैस का फ्लेम चालू कर लूंगी, ये देख सकते हो आप। अभी इसको हमको पकाना है, और जब तक ये मरून कलर का ना हो जाए, मतलब चॉकलेटी एक थोड़े थोड़े काले कलर के हो जाएंगे, तब तक हमको इसको पकाना है। फ्लेम एकदम बारीक रखिएगा गैस का, उसके बाद ही इसको आराम से पकाना है हमें। बीच बीच में चलाते रहिए आप, अब देख सकते हो बिल्कुल इस तरह से कर करके पका लेना है हमें। आप देख सकते हो ये पक चुका है, अभी गैस बंद कर देंगे हम। अभी गैस हमने बंद कर दिया है, अब इसको हम ऐसे ही थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम उतारेंगे इसको। तो चलिए, अब हम इसको हम छान लेते हैं। यहाँ पे हम एक दूसरा बॉल ले लेते हैं, बाउल ले लेते हैं, और इसको हम छान लेते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो रेमेडी मैंने बनाया है हमारे काने के लिए बहुत इफेक्टिव रेमेडी है ये। और आपको एक बार में जब आप अपने कान में डालेंगे इसको, तो एक बार में ही आपको फर्क नजर आएगा। और जितना भी आपके कानों में प्रॉब्लम है, या गंदगी बैठ गई है, पी वगैरह आ रहा है, या कुछ भी आपके कानों में प्रॉब्लम है, ये रेमेडी आपको कान की सारी प्रॉब्लम को ठीक करेगा, और आपको कान को जो है एकदम स्वस्थ बनाएगा। और दोस्तों, ये रेमेडी बिल्कुल अजमाया हुआ है, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आजमा सकते हो और ये नुस्खे का आप यूज कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, आप यूज करके देखें, अगर आपको अच्छा लगा और आपको फ़ायदा हुआ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और आपके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।